तो इस तरह देख सकते हैं हिना अपना स्टिकर में आई है। हम लोग कहीं कभी ले चलो राइड पे, एकदम पूरा उड़ा के ले जाएगी क्या। और इधर ये अपना हीरो होंडा में आई है, देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, उसके लिए यही। अच्छा, ओहो हो, चल जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो अपना। गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग आए हैं कदमा जमशेदपुर में, जो कि पड़ता है। तो यहाँ पे गणेश पूजा के सुअवसर पे मेला लगा है, जो कि शायद 18 सितंबर तक लगा हुआ रहेगा। और आज तो है, आज कितना तारीख है रे? मतलब रोड में लगा था वो उधर। तो फिर वही, आज हम लोग आए हुए हैं TMH के स्टाफ लोगों के साथ, और मेरी एक फ्रेंड भी है हीना, जो कि हम लोग साथ में ग्रेजुएशन और PG किए थे, और अभी भी हम लोग साथ में हैं। मतलब उसका कॉलेज जमशेदपुर में ही है, लेकिन अलग अलग कॉलेज में। लेकिन हम लोग आज मिलने का प्लान बनाया और हम लोग साथ में आए हैं मेला देखने। तो चलिए सबसे मिलाते हैं। हाय, वाह, हेलो भी नहीं कर दे रही है ये सोनाली। हमको वोट करना, इसका नाम है सोनाली है। और ये रही मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड, जो कि अभी भी मेरे साथ है, टीना। और पीछे दो लड़के हैं जो हमारे बॉडीगार्ड के रूप में आज आए हुए हैं। कोई हम लोग का छेड़छाड़ करेगा तो धूम देना तुम लोग। ये रहे हमारे दो बॉडीगार्ड, अभिषेक बच्चन, ओ सॉरी अभिषेक चक्रवर्ती, और बोलिए बोल रहे देखो ना, और वो रहे हमारे पति देव। तो अब हम लोग मेला की ओर बढ़ ही रहे हैं, बहुत भयानक भीड़ है। तो चलिए दिखाते हैं क्या सीन है आज का। वाह, कितना अच्छा अच्छा बैग सब मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये देखिए पिग्गी बैंक लेना है। पैसा तो बचाती नहीं है, पैसा बचाती तुम लोग? नहीं बचता है मेरा, नहीं बचता है। तो ये लोग अब खरीदारी करना शुरू कर ही रही है, देखते हैं क्या खरीदती क्या नहीं। तो हम लोग अभी तक बाहर ही हैं, और आप लोग देख सकते हैं बाहर में भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। अब अंदर जाके पता चलेगा कि क्या नज़ारा है अंदर का। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेले का मेन गेट, यहाँ से हमें घुसना है। और घुसते साथ ही आपको लेफ्ट साइड में ब्रेक डांस वाला झूला नज़र आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, जो कि बहुत ज़्यादा फुल है, मतलब भीड़ है, क्योंकि सारे झूले में लगभग बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और भीड़ भी काफ़ी थी। तो इस तरह से हम लोग भी मेला में ठेलम ठेला होते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं, कुछ कुछ सामान वामान देखते हुए। फिर हम लोगों को यहाँ पे कुछ नज़र आता है, जो कि छोटे छोटे बॉल्स टाइप में था। इसको पानी में डालने से ये बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोज वाला भी मिल जाएगा और सिंपल बॉल वाला भी। फिर हम लोग धीरे धीरे करके झूला के साइड बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक तो अजीबो गरीब वाला झूला रहता है। माय गॉड, ये तो पूरा एकदम इंसान लोग को पूरा घुमा के ही रख देता है। देख सकते हैं आप लोग कैसे पूरा राउंड पे राउंड कर रहा है। और हम लोग तीनों लड़कियाँ तो झूला को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि कब जो चढ़ेंगे, लेकिन हाँ हम लोग चढ़े नहीं, क्योंकि हम लोग सब डरपोक निकले। बस हम लोग झूला को भगवा रहे थे और लोगों को देख रहे थे कि कैसे वो लोग मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हम लोग को यहाँ पे कुछ नज़र आ जाता है वाव, जो कि हमारा फेवरेट होता है। मतलब सजना संवरना तो लड़कियों का बचपन से ही शौक होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नेकलेस वेकलेस मिल जाता है, जो कि ज़्यादा नहीं 100-150 ऐसे ही कुछ में मिल रहा था। और देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों लड़कियाँ तो पूरा बिजी हो गई, कौन सा लुक कौन सा नहीं, और पूरा पसंद करने में व्यस्त हो गई हैं। जादू सीखना है, जादू सीखो ना तो वहाँ मिलेगा।
सीखने वाला। तो मेले में एक ऐसा स्टॉल भी लगा हुआ था जहाँ पे आप जादू सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ से कुछ खरीदना होगा तभी वो एक दो जादू दिखाएंगे। तो इन्होंने हमें एक जादू दिखाया जिसमें इन्होंने येलो फ्लावर को ग्रीन कर दिया। इस तरह देख सकते हैं सोनाली, जो कि थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है जादू सीखने में। शायद क्या पता वो जादूगरनी बनना चाहती होगी। तो इस तरह से भैया ने हमें एक और जादू दिखाया जिसमें उन्होंने खाली नोटबुक को प्रिंट कर दिया जादू से। भैया ने हमें फिर एक जादू दिखाया क्योंकि सोनाली कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, जिसमें उन्होंने एक बॉक्स और एक बॉल के सहारे एक जादू दिखाया जिसमें बिना ढक्कन खोले ही भैया उसमें बॉल घुसा रहे थे। तो ये ट्रिक सोनाली भी सीख लेती है और वो भी हमें जादू करके दिखाती है। 1 2 3 ये देखो। हाँ हाँ हाँ, अब लग रहा है कि तुम भी जादूगरनी बन ही जाएगी। और हाँ, मेले में कुछ प्लेट्स वगैरह भी मिल रहे थे जो कि हर मेले में लगभग मिलते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्लास व्लास ट्राई कर रही थी लेने का। बस हम लोग देख रहे थे, वैसे लिए तो कुछ नहीं, बस प्राइस पता कर रहे थे क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा महंगा तो था। फिर हम लोगों ने ये वाले स्टॉल से एक स्टैचू लिया जिसमें घोड़ा गाड़ी है और दूल्हा बाबू है अपनी दुल्हन को बिठाए हुए लेके जा रहा है, दुल्हन या ले जाएंगे, उस टाइप से वाला एक स्टैचू हमने लिया। और हाँ, मेले में मिठाई कैसे छूट सकता है, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा खाजा मिल रहा था जो कि मैंने पहली बार देखा था। ये कुछ नया था मेरे लिए, मतलब इतना बड़ा बड़ा खाजा कुछ अलग ही तरीका का था ये। और 160 रुपये किलो ये मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं खरीदा। अब आती है हमारे खाने की बारी। तो हम लोगों ने पापड़ी चाट खाया जो कि मेरा हमेशा से ही फेवरेट है। तो यहाँ पे तो 40 रुपीस ले रहा था, रांची में शायद 35 में मिल जाता है। और ये रहा पापड़ी चाट मेरे मुंह में, वाओ। और हाँ, हम लोगों ने मीठा पान भी ट्राई किया जिसको खा के हमारा मुंह तो फ्रेश हो गया। हमें तो लग रहा था कि औरों की तरह हमारा मुंह भी लाल लाल हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें वैसा कुछ मिला के नहीं दिया गया था। हम लोगों ने मीठा पान बोला था तो हमें सिर्फ वही सौंफ और फिर चेरी वेरी डाल के ही दिया गया था। गुड़ुक गुड़ुक पान खा लेने के बाद सब लोग का मुंह थोड़ा देर के लिए बंद तो था। सब एंजॉय कर रहे थे पान को चबाने में। इस तरह से हमारा मेला यही समाप्त होता है। तो अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा लगा आपको मेला घूम के? अच्छा लगा। क्या क्या शॉपिंग किया आपने? कुछ नहीं। झूठी लड़की, ये आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती है। हम बता दे रहे हैं, इयर रिंग्स खरीदी है, पूरा झुमका उमका खरीदी है, पूरा मेकअप का सामान खरीदी है ये लड़की। क्या खरीदी बताओ? हम भी वही सब खरीदे हैं। इनसे पूछते हैं फीडबैक देखे हैं, हम हेल्प किए हैं। क्या खरीदी? एक प्लास्टिक खरीदी है, देख लीजिए प्लास्टिक में लेके जा रही है, पूरा एक प्लास्टिक का क्या क्या खरीदी है। आप लोगों को कैसे लगा? वेरी नाइस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जय झारखंड, आओ और मस्ती कर लो। अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय झारखंड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, आप लोग भी आइए मेला घूमने। बाय बाय।